हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर विजुअल बेसिक में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक, जिसका नाम है हमारा कलेक्शन इन विजुअल बेसिक। तो स्टूडेंट, हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कलेक्शन इन विजुअल बेसिक, रिवाइज करेंगे हम। सो विजुअल बेसिक हैज़ एन ऑब्जेक्ट नेम कलेक्शन, यानी कि विजुअल बेसिक के पास होता है एक ऑब्जेक्ट नेम का कलेक्शन, जो कि एक ऑर्डर सेट होता है आइटम्स का, जो कि एक ऑर्डर सेट होता है आइटम्स का, दैट कैन बी रेफर टू एज यूनिट, जिसको हम रेफर करते हैं एक यूनिट की तरह, जिसको हम रेफर करते हैं एक यूनिट की तरह। कंपेयर टू एरे विच मेंबर शुड हैव द सेम डेटा टाइप, यानी कि अगर इसको हम एरे से कंपेयर करें तो इसके मेंबर्स जो होते हैं सेम डेटा टाइप रखते हैं, यानी कि जिस तरीके से एरे में हमारा सेम डेटा टाइप होता है, सिंपल कलेक्शन में भी हमारा सेम डेटा टाइप रखता है। मेंबर और आइटम इन द कलेक्शन डज नॉट नीड टू हैव द सेम डेटा टाइप, यानी कि कंपेयर कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर कंपेयर का मीनिंग हुआ कि हमारा जो एरे होता है वह कलेक्शन से डिफरेंट होता है। जिस तरीके से हम एरे से अगर यहाँ पर डिस्कस करें तो एरे के पास सेम डेटा टाइप होते हैं, बट यहाँ पर जो हमारा कलेक्शन होता है, यहाँ पर यह रिक्वायर, यानी कि इसको कोई नीड नहीं होती कि इसके पास सेम डेटा टाइप के ही ऑब्जेक्ट्स हों। यू यूज़ कलेक्शन ऑब्जेक्ट व्हेन यू वांट टू स्टोर मैनी ऑब्जेक्ट, यानी कि आप कलेक्शन के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हो व्हेन यू वांट टू स्टोर, जब आपको स्टोर करना हो मैनी ऑब्जेक्ट्स को, जब आपको स्टोर करना हो और डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को सिंगल यूनिट में, यानी कि आप कलेक्शन को यूज़ करते हो जब आपको कई सारे ऑब्जेक्ट या डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल को सिंगल यूनिट में स्टोर करना हो। तो कलेक्शन हैज़ थ्री मेथड्स एंड वन प्रॉपर्टी, कलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसके पास थ्री मेथड्स होते हैं और वन प्रॉपर्टी होती है। तो थ्री मेथड्स होते हैं इसमें, फर्स्ट मेथड होता है हमारा ऐड मेथड, सेकंड मेथड होता है आइटम मेथड, और थर्ड मेथड होता है हमारा रिमूव मेथड। सो फर्स्ट मेथड की अगर हम बात करें ऐड मेथड की, तो आइटम्स कॉमा की कॉमा बिफोर कॉमा आफ्टर, यानी कि इसके जो कीवर्ड्स होते हैं वह हमारे पास आइटम्स कॉमा की कॉमा बिफोर कॉमा आफ्टर। इस मेथड को हम ऐड आइटम्स टू द कलेक्शन, यानी कि आइटम्स को कलेक्शंस में ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइटम इंडेक्स, यानी कि इंडेक्सिंग की हेल्प से हम यहाँ पर आइटम को यहाँ पर रिटर्न करते हैं, यानी कि इस मेथड को हम यूज़ करते हैं रिटर्न एन आइटम बाय इंडेक्स और बाय की, यानी कि आइटम्स को हम रिट्रीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ की वैल्यू एज वेल एज इस इंडेक्स वैल्यू। रिमूव इंडेक्स यानी कि रिमूव द आइटम्स विद द हेल्प ऑफ इट्स इंडेक्स वैल्यू और की वैल्यू, यानी कि डिलीटिंग एन आइटम फ्रॉम कलेक्शन, यानी कि हम आइटम्स को सिंगल आइटम को हम डिलीट करते हैं कलेक्शन में से विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू और बाय इट्स की वैल्यू, यानी कि उसकी इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से या उसकी की वैल्यू की हेल्प से। नेक्स्ट आती है हमारे पास स्टूडेंट काउंट प्रॉपर्टी, यानी कि इसके थ्री मेथड्स तो ये हो गए, और सिंगल जो इसकी वन प्रॉपर्टी होती है वह हमारी काउंट प्रॉपर्टी। रिटर्न द नंबर आइटम्स इन द कलेक्शन, यानी कि यह रिटर्न करता है नंबर आइटम्स को कलेक्शन में से, यह रिटर्न करता है नंबर आइटम्स को कलेक्शंस में से। तो हमने डिस्कस किया ऐड किस तरीके से हम आइटम्स को ऐड करते हैं कलेक्शन में, किस तरीके को हम आइटम्स को ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू एंड की वैल्यू, और किस तरीके से हम आइटम्स को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स की वैल्यू एंड इंडेक्स वैल्यू। डिम माई कलेक्शन एज न्यू कलेक्शन, यानी कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है माई कलेक्शन के नाम से, जो कि न्यू कलेक्शन हमारे क्लास में होगा। देन प्राइवेट सब कमांड वन क्लिक, यानी कि यहाँ पर हमने कमांड बटन को क्लिक इवेंट पर लिया है। अब माई कलेक्शन डॉट एड टेक्स्ट वन, यानी कि यहाँ पर हम माई कलेक्शन जो है उसमें हम टेक्स्ट को ऐड कर रहे हैं वन, यानी कि डबल कोट्स में है इसलिए स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग यहाँ पर कंसीडर होगा। माई कलेक्शन डॉट एड टेक्स्ट टू, यहाँ पर टू को लिया है हमने। माई कलेक्शन डॉट एड टेक्स्ट थ्री, ठीक है, यहाँ पर हमने थ्री को लिया है। देन माई कलेक्शन डॉट एड टेक्स्ट फोर, यहाँ पर हमने टेक्स्ट फोर लिया है। देन माई कलेक्शन और डॉट एड टेक्स्ट फाइव, तो यहाँ पर हमने डबल कोट्स में फाइव को लिया है, यहाँ की यहाँ पर हमने फाइव आइटम्स को ऐड कराया है विद द हेल्प ऑफ एड मेथड।
मी डॉट प्रिंट माई कलेक्शन डॉट आइटम टू। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने आइटम टू यानी कि जिसकी इंडेक्स वैल्यू टू है उस आइटम को प्रिंट करा रहे हैं। देन एंड सब यानी कि इस प्रोसीजर को जो हमने सब प्रोसीजर यहाँ लिया था उसको हमने यहाँ पर एंड कराया। तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट डिस्प्ले होगा वह हमारा आउटपुट डिस्प्ले होगा टू। यूज ऑफ मेथड्स एंड प्रॉपर्टी, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कलेक्शंस के पास हमारे जो मेथड्स होते हैं वह थ्री मेथड्स होते हैं और वन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ऐड मेथड्स की अगर हम बात करें तो ऐड मेथड, आइटम मेथड और रिमूव मेथड, और वन प्रॉपर्टी जो होती है वह हमारे पास वो होती है काउंट प्रॉपर्टी। अब ऐड आइटम की यानी कि इसके कीवर्ड्स जो होते हैं वह हमारे होते हैं आइटम कॉमा की कॉमा बिफोर कॉमा आफ्टर, और आइटम की अगर बात करें तो इंडेक्स की वैल्यू थ्रू हम यहाँ पर इंडेक्स और की वैल्यू के थ्रू हम यहाँ पर आइटम्स को ऐड कराते हैं, देन रिमूव कराते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स इंडेक्स वैल्यू और की वैल्यू। काउंट प्रॉपर्टी की हेल्प से हम रिटर्न कराते हैं वैल्यूज़ को। ठीक, अब ऐड मेथड की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम तो डिम नेम एज न्यू कलेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो डिस्कस करके चुके हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। डिम नेम्स एज न्यू कलेक्शन यानी कि यहाँ पर हमने नेम्स को लिया है कलेक्शन में, तो नेम्स डॉट ऐड जॉन यानी कि हम जॉन नाम का जो नेम है उसको ऐड करा रहे हैं। जॉन वन, वन इज़ द स्ट्रिंग की यूज टू रेफर टू द आइटम यानी कि यह हमारी स्ट्रिंग की है जो कि आइटम्स को रेफर की है हमने। देन नेक्स्ट है हमारा आइटम मेथड, नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स आइटम मेथड। यू मे यूज़ आइदर द इंडेक्स और की वैल्यू, द इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम वन यानी कि अगर हम बात करें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आइटम्स को जो है वो हम इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से एंटर कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिम नेम एज न्यू कलेक्शन, नेम लिया है हमने, देन नेम्स डॉट ऐड जॉन वन, नेम्स डॉट ऐड प्रियंक, देन प्रिंट नेम्स आइटम टू। अब आइटम टू में हमारा नाम क्या है? प्रियंक। आइटम टू में हमारा जो नाम है वह प्रियंक, क्योंकि आइटम वन जॉन हो गया और आइटम टू क्या हो गया? प्रियंक। तो यहाँ पर हम जब प्रिंट करा रहे हैं प्रिंट नेम्स डॉट आइटम टू यानी कि इंडेक्स वैल्यू के थ्रू हम प्रिंट करा रहे हैं आइटम टू को, तो आइटम टू में जो हमारा आउटपुट डिस्प्ले होगा वह आउटपुट का डिस्प्ले होगा हमारा प्रियंक। आउटपुट का डिस्प्ले हुआ यहाँ पर हमारा प्रियंक। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हम बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर इन एड आइटम मेथड। यू कैन चूज़ टू स्टोर यानी कि आप अपना चूज़ कर सकते हो स्टोर करने के लिए आइटम्स को, आइटम वैल्यूज़ को एग्जैक्टली जहाँ वेयर यू वॉन्ट टू यूजिंग द बिफोर एंड आफ्टर आर्ग्यूमेंट, जहाँ पर आप यूज़ करना चाहते हैं बिफोर एंड आफ्टर आर्ग्यूमेंट्स को एड मैथड में, बिफोर एंड आफ्टर मैथड्स को, बिफोर एंड आफ्टर आर्ग्यूमेंट्स को एड मैथड में। अब यहाँ पर आइटम्स को लिया है हमने न्यू कलेक्शन में। ठीक है, तो आइटम्स डॉट ऐड वन, आइटम्स डॉट ऐड टू, आइटम्स डॉट ऐड थ्री यानी कि यहाँ पर हमने थ्री आइटम्स को ऐड कराया है वन टू थ्री के नेम से स्ट्रिंग की फॉर्म में। अब आई इज इक्वल्स टू वन टू थ्री, आई इज इक्वल्स टू वन टू थ्री। अब प्रिंट आइटम्स डॉट आइटम वन नेक्स्ट आई, अब क्या करेगा स्टूडेंट, यहाँ पर जब यह प्रिंट होगा तो यह पहले बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर का मतलब है यह पहले लास्ट वैल्यू को प्रिंट कराएगा फिर उसके बाद फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट कराएगा। ठीक है, यानी कि वन से बिफोर क्या आ रहा है हमारा थ्री, तो थ्री को प्रिंट कराएगा, देन आफ्टर वन को प्रिंट कराएगा, देन टू को प्रिंट कराएगा। तो इस तरीके से थ्री वन टू, थ्री वन टू, इस तरीके से यह प्रिंट करा देगा। सो स्टूडेंट्स आज जो हमने डिस्कस करा वह हमने डिस्कस करा कलेक्शंस के बारे में, रिवाइज़ किया हमने विजुअल बेसिक में। एक कलेक्शन जो होता है वह हमारा एक ऑर्डर्ड सेट होता है आइटम्स का जो कि हम एक सिंगल यूनिट को रेफर करते हैं। अगर हम इसको एरे से कंपेयर करें, अगर हम इसको एरे से कंपेयर करें तो एरे के जैसे जिस तरीके से एरे के पास सेम डेटा टाइप होता है, तो यहाँ पर कलेक्शन के पास कंपेयर कर रहे हैं हम, तो ज़रूरी नहीं कि एक कलेक्शन के पास भी सेम डेटा टाइप हों। कलेक्शन जो होता है ये अब थ्री मेथड्स को अपने पास रखता है और वन प्रॉपर्टी को। थ्री मेथड्स इसके होते हैं ऐड, सेकंड मेथड होता है इसका आइटम जिसको हम इंडेक्स और की वैल्यू की हेल्प से आइटम्स को ऐड कराते हैं, थर्ड होता है हमारा रिमूव जिसको हम आइटम्स को रिमूव कराते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स इंडेक्स वैल्यू एंड की वैल्यू, एंड सिंगल प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारे नंबर आइटम्स को कलेक्शन में रिटर्न कराती है विद द हेल्प ऑफ काउंट प्रॉपर्टी, विद द हेल्प ऑफ काउंट प्रॉपर्टी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम डिस्कस करा जिसमें हमने फाइव आइटम्स को ऐड कराया, जिसमें हमने फाइव आइटम्स को ऐड कराया विद द हेल्प ऑफ ऐड मेथड।
उसके बाद हमने इंडेक्स वैल्यू के थ्रू कॉल करा, यानी कि आइटम टू जो होगा इंडेक्स वैल्यू जिसकी टू होगी वह हमने कॉल करा कर प्रिंट कराया, तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आएगा वह स्टूडेंट का आएगा टू। उसके बाद हमने स्टूडेंट यहाँ पर देखा कि ऐड मेथड हमारा किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे हमने ऐड मेथड की हेल्प से नेम ऐड कराया है जॉन नेम्स नाम के कलेक्शन में, नेम्स नाम के कलेक्शन में, यानी कि यहाँ पर नेम्स नाम का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया जो कि हमारा न्यू कलेक्शन के अंदर आता है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर दो नेम को ऐड कराया, उसके बाद हमने इंडेक्स वैल्यू के थ्रू सेकेंड नेम को कॉल करा कर प्रिंट कराया। तो यहाँ पर सेकंड नेम जो इंडेक्स वैल्यू में है वह प्रियंक, तो यहाँ पर वह प्रियंक प्रिंट करा देगा। उसके बाद हमने स्टूडेंट यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया बिफोर एंड आफ्टर ऐड मेथड के अंदर, तो उसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने थ्री आइटम्स को ऐड कराया है, वन टू और थ्री। फिर हमने यहाँ पर फॉर लूप लगाया, फॉर लूप चल रहा है हमारा आई से वन आई फॉर लूप में हमने आई लिया जो कि हमारा वन से लेकर थ्री तक चल रहा है। अब यहाँ पर हमने आइटम्स को प्रिंट करा रहे हैं, आइटम वन यानी कि आइटम वन को, तो आइटम वन को हम पहले लगा रहे हैं तो वह क्या करेगा नेक्स्ट आई यानी कि नेक्स्ट टू पर चला जाएगा, तो लास्ट वैल्यू पर चला गया वो फर्स्ट, लास्ट वैल्यू पर चला गया तो लास्ट वैल्यू प्रिंट हुई पहले थ्री, फिर उसके बाद नेक्स्ट आफ्टर वैल्यू प्रिंट हुई उसकी वन, फिर प्रिंट हुई टू यानी कि थ्री वन टू, तो आउटपुट हमारा जो प्रिंट होगा वह थ्री वन टू इस तरीके से, ठीक है थ्री वन टू। तो स्टूडेंट आज हमने कलेक्शंस के बारे में कब पढ़ा, कलेक्शंस के मेथड्स के बारे में पढ़ा कि कलेक्शंस के तीन मेथड होते हैं, ऐड मेथड, आइटम मेथड, इसमें हम इंडेक्स वैल्यू और की वैल्यू की हेल्प से आइटम्स को रिट्रीव करते हैं देन रिमूव करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ की वैल्यू एंड इंडेक्स वैल्यू। तो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।